डाकुओं ने पेट्रोल पंप पे हमला कर दिया है, सभी लोगों को बंदी बना के एक रूम में बंद कर दिया है और डाकुओं ने उस पेट्रोल पंप पे कब्जा बना लिया है। डिटेक्टिव सोसाइटी की खबरी तक ये न्यूज पहुंच जाती है, वो तुरंत मेहुल को इन्फॉर्म करते हैं। वहीं मेहुल गर्म दूध पी रहा था। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, सभी दूध पीने से डरते हैं, जबकि हमें रोज दूध पीना चाहिए। मेहुल जैसे ही दूध पीकर अपने बेडरूम में जाता है, तभी उसके पास खबरी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि शहर के बाहर एक पेट्रोल पंप पर कुछ डाकुओं ने कब्जा कर लिया है। मेहुल तुरंत अपनी कार से शहर से बाहर निकल पड़ता है। शहर के बाहर 3 पेट्रोल पंप बने हुए थे। मेहुल एक एक करके तीनों पेट्रोल पंप पे जाता है और अपनी कार में एक एक लीटर पेट्रोल डलवाता है और ध्यान से देखता है कि कौन से पेट्रोल पंप पे डाकुओं का कब्जा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप ध्यान से ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कौन से पेट्रोल पंप पे डाकुओं का कब्जा हो सकता है? सोचिए सोचिए। दूसरे वाले पेट्रोल पंप पर ध्यान से देखिए, पेट्रोल डालने वाले आदमी के हाथ में सिगरेट और माचिस है, जबकि किसी भी पेट्रोल पंप पर स्मोकिंग करना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि इससे पेट्रोल पंप में आग लग सकती है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। पेट्रोल डालने वाले आदमी के हाथ में सिगरेट और माचिस है, इसका मतलब ये पेट्रोल पंप का आदमी नहीं हो सकता, जरूर ये डाकू होगा और उसने कपड़े बदल लिए होंगे। मेहुल दूसरे पेट्रोल पंप के अंदर देखता है तो वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, पेट्रोल पंप के ऑफिस में भला इतनी रात को इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? जरूर ये डाकू और लुटेरे होंगे, मुझे तुरंत पुलिस की मदद लेनी चाहिए। मेहुल पेट्रोल पंप से थोड़ी दूर अंधेरे में अपनी कार खड़ी कर देता है और पुलिस को कॉल करता है। इंस्पेक्टर, यहाँ एक नहीं बल्कि बहुत सारे डाकू है, तुम पूरी पुलिस फोर्स लेके यहाँ पे आ जाओ। मेहुल जैसे ही फोन कट करता है, उस पेट्रोल पंप पे एक जोरदार धमाका होता है और पूरा पेट्रोल पंप चल के राख हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है। मेहुल, उन डाकुओं ने सारे पेट्रोल पंप को उड़ा दिया है, लगता है सारे लोग मारे गए हैं। मेहुल पुलिस के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद आग बुझ जाती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 3 लोगों की डेड बॉडी मिलती है। ये लोग कोई डाकू लुटेरे नहीं थे बल्कि आतंकवादी थे और उन्होंने जानबूझकर पेट्रोल पंप को उड़ाया है। लॉजिकल आदमी, क्या आप सोच के बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि वो लोग आतंकवादी थे? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, पिलर के पास AK-47 गन पड़ी हुई है और बॉम्ब्स भी पड़े हुए हैं। अब AK-47 और बॉम्ब्स या तो आतंकवादियों के पास होते हैं या आर्मी वालों के पास। मेहुल वहाँ काफी सर्च करता है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिलता। मेहुल तुरंत शहर की सारी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो जाती है। डिटेक्टिव सोसाइटी के खबरें भी सतर्क हो जाते हैं। डिटेक्टिव असलम का मेहुल को कॉल आता है और वो बताता है कि ऐसे और अटैक शहर में प्लान हो रहे हैं। इंस्पेक्टर, शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, वो आतंकवादी किसी भी हाल में बच के नहीं जाना चाहिए। पुलिस तुरंत वहाँ से आतंकवादियों को ढूंढने निकल जाती है। मेहुल डॉक्टर संजना को फोन करके एम्बुलेंस बुला लेता है और बॉडीज को डॉक्टर संजना के लैब में भिजवा देता है और फिर मेहुल भी आतंकवादियों को ढूंढने के लिए शहर में निकल जाता है। मेहुल पूरी रात शहर के चक्कर लगाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। सुबह होते ही मेहुल के पास डॉक्टर संजना का कॉल आता है और मेहुल तुरंत अपनी कार से लैब में पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक्ड है, आपको ऑड वन आउट बटन को प्रेस करना है। ऑस्ट्रेलिया, वैटिकन सिटी, सिंगापुर और न्यूयॉर्क, सोचे रोज करार भी और मुझे बताइए इनमें कौन सी बटन ऑड वन आउट है। सोचिए सोचिए। ऑस्ट्रेलिया, वैटिकन सिटी और सिंगापुर ये तीनों कंट्रीज है, लेकिन न्यूयॉर्क एक सिटी है और वो ऑड वन आउट है। मेहुल न्यूयॉर्क पे क्लिक करता है तो डोर ओपन हो जाता है। डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि इन लोगों की मौत आग में जलने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसका मतलब उन लोगों ने पहले इन तीनों को मारा और फिर पेट्रोल पंप को उड़ा दिया। मेहुल, मेरे बैग में कुछ चने और एप्पल पड़े हुए हैं, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम रात भर सोए नहीं हो। डॉक्टर संजना, शहर में कुछ आतंकवादी घुस गए हैं, फिर मुझे भला नींद कैसे आ सकती है? मेहुल एप्पल खाने लगता है, तभी उसके पास टीटी नगर पुलिस थाने से कॉल आता है। सर जल्दी आ जाइए, यहाँ पे हमने 3 लोगों को पकड़ रखा है। मेहुल एप्पल खाते खाते अपनी कार से टीटी नगर पुलिस थाने पहुँच जाता है। वहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि इन 3 लोगों पर उसे डाउट है। मेहुल उन तीनों लोगों से पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, सर मैं तो रात भर अपने घर पे सो रहा था, मुझे उन आतंकवादियों के बारे में कुछ नहीं पता है। दूसरा आदमी कहता है, सर मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं पार्क में टहलने गया था, वहाँ मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तीसरा आदमी कहता है, सर मैं तो अभी अभी शहर में आया हूँ, सर रात को तो मैं दूसरे शहर में था। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? पहले आदमी को ध्यान से देखिए,
उसके हाथ और गर्दन पे जलने के ताजा ताजा निशान बने हुए हैं। इसका मतलब वो रात को पेट्रोल पंप पर ही होगा, इसलिए उसकी बॉडी पर जलने के निशान है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है, तो वो बताता है कि सर, आतंकवादियों ने मुझे गन पॉइंट पे पकड़ लिया था। पेट्रोल पंप पे आग लगाने के बाद आतंकवादियों ने हमें जान से मारने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह उस आग से बच निकला, इसलिए मेरे हाथ और गर्दन पे जलने के निशान बन गए हैं। उन आतंकवादियों ने 3 लोगों का मर्डर किया है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी मेहुल के पास एक खबरी का कॉल आता है कि एक रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे लोग घुस गए हैं और उनके पास बंदूकें भी हैं। जरूर ये वही आतंकवादी होंगे। इंस्पेक्टर तुरंत चलिए, हमें उन्हें तुरंत पकड़ना होगा। मेहुल और पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पहुँच जाती है। मेहुल रेस्टोरेंट के अंदर देखता है तो वहाँ आलिया भी थी। ये आलिया और टेररिस्ट का नाता बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हर बार आलिया उनके बीच में फंस जाती है। बिग डैडी को छोड़ दो, नहीं तो हम इस रेस्टोरेंट को उड़ा देंगे। बिग डैडी तो दुनिया की सबसे सेफ जेल में बंद है, जिसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ मुझे और डिटेक्टिव सोसाइटी के चीफ को है। तभी मेहुल को असलम का कॉल आता है। मेहुल, मेरी जानकारी के अनुसार 2 आतंकवादी मुंबई में घुसे हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल रेस्टोरेंट को ध्यान से देखता है तो उसे वहाँ 2 टेररिस्ट दिखते हैं। मुझे किसी भी तरह अंदर जाना होगा। मेहुल रेस्टोरेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करता है तो उसे पास पहुँचने का एक आइडिया आता है। मेहुल ट्रक के पीछे से छुपते छुपाते खिड़की के पास पहुँच जाता है। फिर मेहुल अपनी वॉच का रिफ्लेक्शन आलिया पे मारता है। आलिया मेहुल को देख लेती है। लो हटी ना प्लास्टिक, मेहुल सर फैंटास्टिक। फिर मेहुल आलिया को कुछ इशारे करता है। आलिया मेहुल के इशारे समझ जाती है। मेहुल गन निकाल के पहले वाले पे फायर करता है और उसी टाइम पे आलिया जम करके दूसरे वाले के हाथ पे किक मारती है और उसकी गन नीचे गिर जाती है। फिर आलिया उसे पकड़ लेती है। मेहुल पुलिस को इशारा करता है और पूरी पुलिस फोर्स अंदर आके दोनों को पकड़ लेती है। ऐसे और अटैक्स अब मुंबई में होते रहेंगे, ये लोग किसी भी तरह बिग डैडी को छुड़वा के रहेंगे। अब कैसे छुड़वाएंगे टेररिस्ट बिग डैडी को, देखेंगे हम अगली